स्थानांतरण को लेकर निदेशालय में बड़ी चहल पहल। शिक्षक निकाल रहे निदेशालय के चक्कर। तबादलों को लेकर शिक्षक के पास है चार विकल्प। पांचवा, शिक्षा विभाग। अनेक शिक्षक नेता ऑनलाइन आवेदन पर एकमत नहीं। जैसे ही दोस्तों खबर मिली है कि आवेदन हो रहे हैं स्थानांतरण के, ऑनलाइन आवेदन मांगे जा रहे हैं, शाला दर्पण पोर्टल पर भी इसका शेड्यूल जारी कर दिया है। वैसे ही शिक्षक नेता यानी, हालांकि मैं बता दूं कि थर्ड ग्रेड शिक्षक एवं तृतीय श्रेणी अध्यापक के भी ट्रांसफर शेड्यूल नहीं जारी किया है, लेकिन जिनका जारी किया है, जैसे स्थानांतर में फर्स्ट ग्रेड लेक्चरर है, प्रधानाध्यापक है, जिनके भी जारी किए हैं, तो शिक्षा निदेशालय में उन्होंने चहलकदमी शुरू कर दी है। चहल पहल वहाँ भी बढ़ गई है। लेकिन एक और देखें तो शिक्षक नेता जो भी है वो ऑनलाइन आवेदन में एकमत नहीं है। इन सभी की पूरी जानकारी करेंगे। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है मोतीलाल कनौजिया और आप देख रहे हैं रॉयल टीचर। चलिए दोस्तों जानते हैं पूरी खबर कि क्या है शिक्षक नेताओं के अपने अपने वक्तव्य, पूरा जानेंगे इस वीडियो को। दोस्तों अंत तक जरूर देखें, आपको पूरी खबर मिलेगी। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आप सभी से रिक्वेस्ट की, अगर आपने हमारा चैनल पहले से सब्सक्राइब कर रखा है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को जरूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। पास में आने वाले घंटी के बटन को दबाना न भूलें। इससे मोस्टली बेनिफिट आपको यह रहेगा कि आगे आने वाले हर एजुकेशन संबंधी न्यूज़ आप तक सबसे पहले आपके मोबाइल में पहुंच जाएगी। तो दोस्तों बात करते हैं तबादलों को लेकर। तो सबसे पहले बात करेंगे कि अब इस बार जो ऑनलाइन आवेदन मांगे गए हैं उसमें शिक्षक नेता जो एकमत नहीं है, यानी कई उनके कारण बताए गए हैं। पूरी आपको जानकारी देंगे कि इस बार जो आवेदन हो रहे हैं ट्रांसफ़र के लिए, स्थानांतरण के लिए, वो ऑनलाइन हो रहे हैं। ऐसा आप भी जानते हैं कि ऑनलाइन आवेदन ये प्रथम बार ही है। तो ट्रांसफ़र शेड्यूल भी मैं आपको बता देता हूँ। तो ये देखिए दोस्तों, स्टाफ विंडो में हम मौजूद है अभी। स्टाफ विंडो के अंतर्गत ये देखिए ट्रांसफ़र शेड्यूल हमारे सामने मौजूद है। तो एक एक का बताते हैं ट्रांसफ़र शेड्यूल आपको कि प्रिंसिपल और इक्विवेलेंट, हालांकि ये ट्रांसफ़र शेड्यूल मैं पहले भी बता चुका हूँ, लेकिन एक बार फिर आपको बता देते हैं कि प्रिंसिपल और इक्विवेलेंट पोस्ट है शेड्यूल टाइटल में। स्टार्ट डेट है 6/9/2019 से 9/9/2019 जो एंड हो चुकी है। हेडमास्टर एंड इक्विवेलेंट यानी उसकी जो डेट है 6/9/2019 से लेकर 6/9/2019 तक, ये भी डेट आउट हो चुकी है। अब बारी आती है नंबर थर्ड लेक्चरर फर्स्ट ग्रेड की, वो 11/9/2019 से 14/9/2019 तक, और एक कोच और एक और पोस्ट है जिसकी 11/9/2019 से लेकर 14/9/2019 तक आवेदन कर सकते हैं। ये है उनका ट्रांसफ़र शेड्यूल। अब बात करते हैं दोस्तों शिक्षक नेता की। जो शिक्षक नेता ट्रांसफ़र शेड्यूल के ऑनलाइन आवेदन में एकमत नहीं है तो उनका क्या क्या मत है इस बारे में। और आगे बात करेंगे कि शिक्षा निदेशालय में चहल पहल बढ़ गई है तबादलों को लेकर। जैसे ही खबर पहुंची है शिक्षक तक तो वहां निदेशालय में भी चहल पहल बढ़ गई है। ये है दोस्तों एक अखबार की कटिंग जिसमें लिखा है कि ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया पर शिक्षक नेता एकमत नहीं, कुछ ने उचित तो कुछ ने दिखावा बताया। अब देखिए राजस्थान में शिक्षकों के तबादलों को लेकर हमेशा सियासत गर्माती रही है। पिछली सरकार के कार्यकाल में तत्कालीन शिक्षा मंत्री को विधायक द्वारा कथित रूप से थप्पड़ तक मारने सहित कई विधायकों से कहासुनी की घटनाएं हुई थी। वहीं राजनीतिक हस्तक्षेप से भी तबादलों के आरोप लगते रहे हैं। ऐसे में शिक्षा विभाग ने पहली बार शिक्षकों के तबादलों के आवेदन ऑनलाइन मांगे हैं, लेकिन ऑनलाइन आवेदनों को लेकर भी शिक्षक नेताओं की राय अलग अलग है। कुछ शिक्षक नेताओं का कहना है कि इस बार भी मंत्रियों और विधायकों की डिजायर को ही प्राथमिकता मिलेगी, लेकिन फिर भी शिक्षकों को ऑनलाइन प्रक्रिया से ही गुजरना पड़ेगा। इस बार सीधे पत्र व्यवहार से ये संभव नहीं हो पाएगा। शिक्षकों में भी इस प्रक्रिया को लेकर उत्साह है। तबादलों के लिए शिक्षकों के लिए सामान्य और पारस्परिक स्थानांतरण दोनों विकल्प उपलब्ध है। स्थानांतरण के लिए जिले की पंचायत समिति के किसी भी 3 विद्यालय तथा जिले भर में 5 विद्यालयों का चयन किया जा सकेगा। तो ये बात भी आप खास तौर पर ध्यान रखें कि पंचायत समिति के अंदर किसी भी 3 विद्यालय और जिले भर में 5 विद्यालयों का चयन आप कर सकते हैं। क्या कहते हैं शिक्षक नेता, क्या उचित है क्या अनुचित है बताते हैं आपको। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया मात्र दिखावा है। सरकार द्वारा ऑनलाइन आवेदन लेना यह साबित करता है कि जिसने ऑनलाइन आवेदन नहीं किया उसका तबादला नहीं होगा। तबादलों को लेकर अभी तक स्थिति स्पष्ट नहीं है, अभी तो आवेदन प्रक्रिया मात्र है। ये कहा है विजय सोनी, प्रदेशाध्यक्ष शिक्षक संघ
राधा कृष्णन। अब एक और जो शिक्षक नेता है वो क्या कहते हैं, बता देते हैं कि प्रदेशाध्यक्ष, ये सरकार ने पूर्व में स्थानांतरण नीति बनाने के बाद ही उसके अनुसार तबादला करने की घोषणा की थी, लेकिन अचानक ही श्रेणीवार तबादलों के लिए ऑनलाइन आवेदन मांगा गया है, तबादलों से पहले नीति जारी होनी चाहिए, ऐसा कहा है रमेश आचार्य, प्रदेश उपाध्यक्ष शिक्षक संघ सियाराम। शिक्षा विभाग में शाला दर्पण पोर्टल के स्टाफ कॉर्नर के जरिए तबादला प्रक्रिया अपनाना स्वागत योग्य है, इस प्रक्रिया से तबादलों में पारदर्शिता आएगी, ऐसा कहा है सत्यनारायण शर्मा, जिला मंत्री शिक्षक संघ राष्ट्रीय। तो दोस्तों ये तो थे शिक्षक नेताओं के अपने अपने मत। अब बात करते हैं शिक्षा विभाग में जो चहलकदमी बढ़ी है उसके बारे में। यहाँ देखिए साफ साफ अक्षरों में लिखा है कि तबादलों में शिक्षक की पसंद के 4 विकल्प और पांचवा शिक्षा विभाग का, चारों विकल्पों पर मौका नहीं मिला तो पांचवा विकल्प डाल सकता है मुश्किल में। जी हाँ दोस्तों, अब आपको बताते हैं पूरी खबर क्या है। शिक्षा विभाग में तबादलों के ऑनलाइन आवेदन में प्रिंसिपल, व्याख्याता व द्वितीय श्रेणी शिक्षक अपनी पसंद के 4 जगह चुन सकते हैं, पांचवा विकल्प शिक्षा विभाग की ओर से रखा जाएगा। ऐसे में 4 विकल्प में दिए गए स्कूलों में रिक्त नहीं होने की स्थिति में पांचवे विकल्प की आधार पर स्थानांतरण करेगा। पिछली बार तबादलों के दौरान इस आधार पर कुछ शिक्षकों को दूर दराज स्कूलों में भेज दिया गया था। अब फिर स्थानांतरण के लिए आवेदन करने वाले इस पांचवे विकल्प से डरे हुए हैं। तबादलों के लिए आवेदन करने वाले शिक्षक घर के पास आने वाले मसूबे पाल कर बैठे हैं, लेकिन पांचवा विकल्प उनके मसूबों पर पानी फेर सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि मौजूदा पदस्थापन वाली जगह, आवागमन से परेशानी से निजात मिलने वाले अथवा शहर आने की चाहत पूरी होने की जगह ज़्यादा परेशानी वाली जगह नौकरी करनी पड़ जाए। तो इस बात का भी ध्यान रखें कि इस बार आवेदन जो ऑनलाइन मांगा गया है उसका पांचवा विकल्प आपको मुश्किल में भी डाल सकता है। साथ ही यहाँ बताया गया है कि विशेष श्रेणी को प्राथमिकता नहीं दी गई है। ये देखिए, प्रदेश में शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने तबादला नीति बनाकर ग्रीष्म अवकाश में स्थानांतरण करने की घोषणा की थी, लेकिन तबादला नीति नहीं बनी और बीच सत्र में शिक्षा में व्यवधान नहीं आए, इसके लिए ग्रीष्म अवकाश के दौरान तबादले करने का समय भी निकल गया। अब ऑनलाइन आवेदन लिए जा रहे हैं, लेकिन इसमें विकलांग, विधवा, गंभीर रोगी को प्राथमिकता नहीं मिलेगी। तबादला नीति बनती तो उन्हें राहत देने के प्रावधान होते। निदेशालय में बड़ी चहल पहल, स्थानांतरण के आवेदन शुरू होते ही माध्यमिक शिक्षा निदेशालय में भी चहल पहल बढ़ी हुई है। दिन भर तबादलों की चाह रखने वाले प्रिंसिपल, व्याख्याता, द्वितीय श्रेणी शिक्षक निदेशालय में आते हैं। ये निदेशक से मुलाकात कर ऑफलाइन आवेदन भी देकर मनचाही जगह स्थानांतरण की गुहार लगाते हैं। हालांकि निदेशक उन्हें ऑनलाइन आवेदन करने पर ही स्थानांतरण की बात करते हैं। और क्या कहते हैं, इधर भी देख लेते हैं, रिक्त पदों की जानकारी है, शाला दर्पण पर रिक्त पदों की जानकारी दी गई है, सभी शिक्षकों को स्कूलों में रिक्त पदों की जानकारी है। आवेदन के दौरान शिक्षकों के पास स्कूल के 4 विकल्प होते हैं, पांचवे के स्वतः होने के बारे में पता कर रहे हैं। नूतन बाला कपिला, संयुक्त निदेशक माध्यमिक शिक्षा बीकानेर। तबादला नीति बने, पिछली सरकार में भी ऐसे आवेदन लिए गए थे, लेकिन एक का भी ऑनलाइन तबादला नहीं हुआ है। वर्तमान में भी सरकार ने कोई नीति नहीं बनाई, रसूख वालों के ही तबादले किए जाएंगे, सरकार को तबादला नीति बनानी चाहिए। ये कहा है किशोर पुरोहित, प्रदेश संरक्षक शिक्षक संघ भगत सिंह। पारदर्शिता के साथ अपनाई जाए प्रक्रिया, और जिस तरह ऑनलाइन आवेदन लिए गए हैं उसी प्रकार पारदर्शिता के साथ पद रिक्त होने पर स्थानांतरण प्रक्रिया अपनाई जाए, इसमें सरकार के प्रति सकारात्मक सोच बनेगी। पांचवा विकल्प देने से सरकार कहीं ना कहीं ऑफलाइन आवेदन वालों के स्थानांतरण कर सकती है। रवि आचार्य, प्रदेश मंत्री शिक्षक संघ राष्ट्रीय। और एक और न्यूज है, 14 तक व्याख्याता, 16 से द्वितीय श्रेणी शिक्षक, प्रिंसिपल, व्याख्याता व द्वितीय श्रेणी शिक्षकों के ही स्थानांतरण के लिए आवेदन शुरू किए गए हैं। व्याख्याताओं से 11 सितंबर से 14 सितंबर तक आवेदन लिए जा रहे हैं। द्वितीय श्रेणी शिक्षक
16 से 19 सितंबर तक आवेदन कर सकेंगे। तो दोस्तों ये थी तबादलों को लेकर महत्वपूर्ण खबर, जिसके जरिए आपने देखा कि शिक्षा निदेशालय में भी चहलकदमी बढ़ गई है। कई शिक्षक नेता इनके पक्ष में हैं तो कई विपक्ष में हैं, यानी दोनों मत है। और साथ ही दोस्तों ऑनलाइन आवेदन भी आमंत्रण हो चुके हैं, जल्द ही तृतीय श्रेणी अध्यापकों के आवेदन भी मांगे जाएंगे। उसकी न्यूज़ तुरंत पाने के लिए दोस्तों इस वीडियो को कर दीजिए अभी से लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। पास में आने वाले घंटी के बटन को दबाना न भूलें। धन्यवाद।